नमस्कार। उत्तराखंड के इस मांगल के साथ मैं आप सभी को अपने दर्शकों को फूल दे की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं। ये जो अभी हम गीत सुन रहे थे ये माधुरी बर्थवाल जी और उनकी टीम के द्वारा था। ये उत्तराखंड के हमारे जो फूल दे के बारे में आपको तमाम देता। तो ये जो हमारा कार्यक्रम है बेसिकली ये कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है ये इसी फूल दे के इर्द गिर्द बुना हुआ एक कार्यक्रम है। फूल दे जिसको जैसे हम जानते हैं कि पूरा एक महीने का बच्चों के हमारे पूरे उत्तराखंड में फूल को देरी पे लगाने का एक कार्यक्रम है और महीने भर चला जाता है। तो सामाजिक परिवेश में बदलते सामाजिक परिवेश में भारत ने भी इसको एक छोटा सा एक इसमें कार्यक्रम ऐड किया है और इसमें हम ये करते हैं कि पूरे महीने भर में जो बच्चों को गिफ्ट देने वाला जो कॉन्सेप्ट है तो हम उनको एक एक कोई पुस्तक के गिफ्ट करते हैं। उनको हम इस पूरे प्रोग्राम में पूरे महीने भर हम स्कूलों को हम बुक्स का एक पैकेट देते हैं, हर महीने उनको कोई मैगजीन भेज देते हैं। बच्चों की तरफ से हमारे एक कोशिश है और तमाम देने वाले जो है वो उत्तराखंड के ही डोनर है। तो जैसे फूल दे का है कि बच्चों दोहरी में फूल रखते हैं, उनको कुछ गांव वाले कुछ उपहार देते हैं, उसी भावना के साथ कोना कक्षा का कार्यक्रम भी बुना हुआ है। बच्चों के बीच में तो बहुत सारे उत्तराखंड के डोनर आ करके कुछ न कुछ उनको पुस्तकों की भेंट करते हैं, उनके एक ज्ञान का कोना उजागर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये हमारी पूरी मुहिम है जो पिछले 2-3 सालों से 2018 में स्टार्ट हुई थी, 35 स्कूलों से आज 500 तक पहुंच गई है और इसमें हम लगातार बच्चे भी जो कुछ कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि कोरोना की वजह से जब ऑनलाइन पे हम फोकस कर रहे हैं तो हमारा ये कार्यक्रम पूरे महीने भर यूँ चलेगा।
कि 5 दिन तो हम स्कूलों के बारे में, कौन स्कूल अब नवाचारी स्कूल जो है, कौन बहुत सारे स्कूल एक्सपेरिमेंटल वे में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अच्छा अच्छा कर रहे हैं, वो सारे स्कूल हमसे कुछ हमारे स्कूल है वो बताना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि दीप से दीप जलता है, तो जैसे जैसे हम अपने जो अच्छा कोई स्कूल कर रहा है तो उससे दूसरे स्कूल वालों को बहुत प्रेरणा मिलती है। और संयोग से हमारा ये खुशनसीबी है कि धात के साथ इतने एंथुजियास्टिक टीचर जुड़े हैं जो अपने अपने तरीके से बच्चों की लिए बेहतर करने की, उनकी शिक्षा को बेहतर करने की, उनके जीवन संघर्षों को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब अपने अपने वो बसे बहुत सारे टीचर हैं जो बताना चाहते हैं, उन्हें वीडियो डॉक्यूमेंट किया है, वो अपने स्कूल में बताना चाहते हैं हम कैसे कैसे कर रहे हैं। तो हम मंडे टू फ्राइडे हमारे जो कार्यक्रम 7 बजे रहेगा, लोगों से बातचीत करने का होगा। उसके अलावा सैटरडे संडे हम बातचीत करेंगे। हम इस पूरे प्रोग्राम में एकदम सांस्कृतिक विरासत जो है हमारे फूल देव की और उत्तराखंड के गीतों की, और एक दिन बात करेंगे साहित्य से जुड़े हुए लोगों से या जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो आज कार्यक्रम की शुरुआत जो है हमें माधुरी बर्थवा जी के साथ कर रहे हैं, जो कि संस्कृति के उत्तराखंड के गीत के बारे में एक अपने आप में पूरे एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। उनकी जो पूरी थीसिस है उसका मूल टॉपिक ही यही है कि उत्तराखंड के फोक सॉन्ग्स में राग और रागिनियां कौन सी है। एक ही पुस्तक भी प्रकाशित हुई है और हमें खुश नहीं, मुझे इस बात को अच्छा लग रहा है कि सिद्धार्थ प्रकाशित किया, जिनका शोध ग्रंथ है अपने आप में। दीदी जो है बेसिकली ये उत्तराखंड में पहली गढ़वाली महिला टीचर है संगीत की, जी जी आई सी में इन्होंने 1969 में जब मेरा जन्म हुआ था तब दीदी ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। तो 10 साल तक वहाँ लैंसडाउन में दीदी ने पढ़ाया है और वहाँ पे बच्चों को लड़कियों को संगीत की। उसके बाद वो ऑल इंडिया रेडियो नजीराबाद में आ गई, जहाँ से वो पूरा उन्होंने संगीत निदेशक के तौर पे काम किया। और बल्कि विजय धरोहर नाम का एक एपिसोड भी उनका चलता था जिसकी 250 किस्तें लगातार चली हैं, और उनको इस काम के लिए उत्तराखंड रत्न का सम्मान मिला है 2014 में। भारत के राष्ट्रपति की तरफ से 2018 में उनको नारी सम्मान का अवार्ड मिला है। और आज भी वो बच्चों के बीच में, महिलाओं के बीच में उत्तराखंड की संस्कृति और गीतों की विरासत को लगातार आगे बढ़ाने के लिए काम करती रहती है अपने अपने स्तर पे। तो दीदी ने आजकल यही जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली। तो दीदी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको फूल देके बहुत बहुत मुबारकें और शुभकामनाएं। और ये बताइए, मतलब आप रिटायरमेंट के बाद, आप रिटायर नहीं हुई हैं, आप ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं, तो ये जो आप काम कर रही हैं गीतों को फैलाने के, इस बारे में कुछ पहले तो इसके बारे में कुछ बताइए, संस्कृति को जीवित रखने का, क्योंकि शहर के साथ साथ संस्कृति खत्म न होने पावे इसकी आप प्रयास कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा पहले तो बताइए, फिर हम आगे फूलदेव पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ सबको, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज फूलदेही है और चैत्र मास हमारे जो नया साल हमारा शुरू हो गया है चैत्र मास से, और ये जो फूलदेही है इसकी मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत इसके लिए अपने मन से, हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसे आपने पूछा है मेरे को भाई कि ये संस्कृति को किस तरह से आप आगे बढ़ा रही हो या क्यों इसको कैसे मन में आया, तो मैं तो ये सोचती हूँ ना कि मैं तो जब मैं छोटी थी बचपन में तभी से ही मतलब मैंने यही अपने मन में रखा, उसी से लगाव था मेरे को संगीत से। और बहुत सारे इसमें मैंने जो है झिड़कने भी खाई, बहुत सारे मेरे को परेशानियां भी हुई, बहुत समय मेरे को जो है बाधित भी करा गया, लेकिन वो जमाना ही वैसा था जब संगीत जो है गाना बजाना महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता था, और मेरे को भी इसी तरह से मना कर दिया गया था। और मैं कितना मेरे को बुरा लगा कि मैं बीमार पड़ गई, उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरा साथ दिया और उसके बाद जो है तब से ही ऐसा था कि लैंसडाउन में जब मैं रही तो लैंसडाउन के बाद जब मैं 2 महीने के लिए अपने गाँव जाती थी तो वहाँ पर जंगल में जा करके भाभियों के साथ और जंगल में जा करके गांव की जितनी महिलाएं थी, ताई चाची सब लोगों के साथ मैं जंगल में जाती थी, और उसके बाद वहां पर जोर जोर से जितनी मेर से बस होता था उतने जोर जोर से गाती थी मैं, और फिर उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी, लोक संगीत उन्हीं से सीखा मैंने अपने गाँव में, जो 2 महीने के लिए जाती थी मैं उन्हीं दिनों मैंने सीखा। और उसके बाद जब
हाई स्कूल किया मैंने लैंसडाउन से, उसके बाद मैं जीजीआईसी लैंसडाउन में ही संगीत टीचर हो गई। तब लोगों को ये भी पता लगा कि संगीत भी विषय होता है, तब सबने अपने बच्चों को भी भेजा, और तभी से मतलब मैं बच्चों को भी मैंने पढ़ाया और सिखाया उनको। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी कि नया भी दिखाया मैंने उनको कि हाँ इस तरह से भी ये संगीत विषय है, और संगीत विषय में पूरे नंबर मिलते हैं, जैसे संस्कृत में या गणित में नंबर मिलते हैं पूरे, वैसे संगीत विषय में भी मिलते हैं पूरे नंबर। जी और इसी तरह से जो है हमारी यहाँ जो एक प्रिंसिपल थी, तो उनको वो भी बोलती थी कि मैं तो औरंगजेब हूँ संगीत के मामले में, कि मुझे संगीत उंगीत बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो मतलब औरंगजेब ने कहा था कि इसको इतना गहरा गाड़ दो कि कभी इसकी आवाज ना सुनाई दे, तो वैसे ही था मेरे साथ। तो उन्होंने मेरे से कहा कि मुझे अच्छा लगता, क्यों काहे के लिए तू इनके लिए इन बच्चों के पीछे अपने को वो कर रही है, तेरे जैसे थोड़ा ना ही है। मैंने कहा नहीं दीदी, आप इंटर में खोल दीजिए संगीत। तब उन्होंने खोला, और जब वो इंटर के अच्छा बच्चे 9 बच्चे थे, और 9 बच्चे जो है उनके 90% से ऊपर नंबर आए, और 10 बच्चे फर्स्ट आए स्कूल के, तब वो उन्होंने कहा कि बेटा मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ और तू सब कुछ कर सकती है। तो आगे बढ़ाने का काम भी मेरे गुरुओं ने मेरे साथ किया। और फिर उसके बाद जो है आकाशवाणी नजीबाबाद में भी मैंने बहुत सारे कलाकारों का को आगे बढ़ाया, उनको दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए अपना मुंह बंद करना पड़ता है। तो मैंने ये जो कि बहुत कठिन काम है अपना मुंह बंद करना, वो भी मैंने किया। और उसके बाद जो है अब हजारों सैकड़ों हजारों कलाकार हैं, और तो मुझे दीदी, अच्छा जो इन लगता है। दोनों आप जो जो इसको जो आप जंगलों में जो आपने जो लोगों के साथ गीत सुने, कोई गीत याद है कितने, कोई धुन याद है, कोई कुछ जहन में याद आ रही हो? हाँ हाँ बहुत सारे। एक तो जो है जैसे वो है कि राड की रडवाली मारी रुणाली झूमे लो झपन्याली डालियो हिलांस बसाली झूमे लो जय का होला भाई मैत बुला ला झूमे लो निर्मय त्या धा ध्याणी रूणी रैली झूमे लो कांधू हलले की हल्दिया खे तू जाला झूमे लो जो का होला भाई मैत बुला ला झूमे लो। ये चैत का महीना मैतियों की मैत वाली जो ध्याणियां हैं उनको भी जी बहुत रुलाता भी है, मैत को भेजता भी है, उनको याद भी दिलाता है मायके की। और यही जी जो है अपने जीवन का जो है बहुत बड़ा लक्ष्य भी इसी इसी महीने से मिलता है सबको, क्योंकि ये इस महीने से ही हमारे जो है तीज त्योहार शुरू हो जाते हैं, और बसंत पंचमी जी से ही हमारे यहाँ थड़िया लोकगीत गाए जाते हैं। बसंत पंचमी से थड़िया चौपला मांगल चुमैलो हर तरह के, मतलब पूरे साल भर का कोटा उन्हीं दिनों पूरा करा जाता है कि इन, क्योंकि आजकल जो है खेत में जो है गेहूं गेहूं की फसल होती है, तो गेहूं में इतने वो नहीं होते क्या मेहनत ये हाँ, इसमें जो है खड़ कतियार बोलते हैं हमारे यहाँ, नहीं होता इतना, तो इसलिए जो है उसमें ज्यादा काम भी नहीं होता। जी और दिन लंबी रातें होती थी उन दिनों, और छोटे दिन होते थे, अब तो दिन बड़े होने लगे हैं। जी 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 तो तब क्या होता था, रात भर ये दीदे लोगी लगते थे, उसमें अच्छा बच्चा बूढ़ा जवान हर तरह का आदमी उसमें शामिल जी होता था। और फिर जो है वही बच्चे फिर बड़ों को देखते हैं तो वैसे वैसे बोलते भी हैं वो, जी जी जैसा वो जी जैसे वो सीखेंगे, जैसे आसपास सुनेंगे वैसा सीखेंगे, अगर उनको गाना सुनाई देगा तो वो गाना भी सीखेंगे। और गाने इतने बढ़िया, इतने अच्छी संस्कृति है, इतने समृद्ध हमारी संस्कृति है, भाषा की दृष्टि से, संगीत की दृष्टि से, या भाव की दृष्टि से, हर दृष्टि से बहुत समृद्ध हमारी संस्कृति तो है। आप ये कह और रहे हैं कि जो वसंत पंचमी से शुरू होता है
और मैं कहा हाँ बैसाखी तक जाता है पूरा, ये फरवरी हाँ आधा फरवरी मार्च आधा अप्रैल, ये पूरा 2 ढाई महीने का जो प्रोसेस है, बिल्कुल ये पूरा ये बिल्कुल, मतलब ये गीत उत्सव एक तरह का मतलब पूरा उत्तराखंड हाँ का है। बिल्कुल बिल्कुल, उत्सव है ये अच्छा, पूरा तो इसमें पूरा हो बसंत तो उत्सव। अच्छा, मैं आपकी जैसे बुक देख रहा, अच्छा बुक देख रहा था, तो उसमें देखा काफी ऋतु प्रधान है, तो आपने हाँ बताया जो ऋतु प्रधान की झुमेले भी ऋतु प्रधान की थे, जिसमें सब लोग हाँ रात में अपना गायन करते हैं और सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो इकट्ठा होने बिल्कुल की बात से ये हुआ है कि जब गीत सुनाने वाले आते हैं तो पूरा गांव इकट्ठा होता है। सबको पता है आज धात की बातचीत में कि माधुरी बड़थवाल जी आ रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल जब कार्यक्रम शुरू हुआ वहीं से मैं बता रहा हूँ कौन कौन शामिल था। ज्योति जोशी जी हैं, प्रतिबिंब बड़थवाल जी हैं, उनियाल जी हैं, हमारे गजेंद्र रतैला जी, प्रेमलता सजवाण जी, मधु बिष्ट जी हैं, वीरेंद्र खंडूरी जी, किरण तिवारी जी, कविता मैठाणी जी हैं, सुषमा असवाल जी हैं, और उनको आपकी जो शुरुआत है वहाँ से, गजेंद्र रतौर जी को आपकी शुरुआत बहुत ही पसंद आई है, वीएसआर हाँ रावत जी हैं, तो ये किशन जी हमारे पास, सुनीता ध्यानी जी, अभी तो देखे जाइए पूरा गांव इकट्ठा, और का कमलेश्वरी मिश्रा जी यहाँ की है, रक्षा बोरा जी हैं, है ना, ध्यानी जी मैंने बोली बोली दी आपको, तो ये सब लोग आपके, ये सुरक्षा रावत जी अगर आ गई हैं, रिद्धि भट्ट जी आपको नमस्कार कह रही हैं, तो ये सब लोग पूरा हमारा जो कुनबा है वो इकट्ठा हो गया है आपकी जो संगीत बहुत में अच्छी बात है, बहुत प्रस्तुति अच्छी के बात लिए। है। और तो ये पूरा अभी अभी इकट्ठे आप इसके बारे में, ये पूरा इसके बारे में थोड़ा और बताइए, जो ये पूरा ये और वसंत सच, उत्सव हाँ जिसको मैं पूरा बोलूं, कह जाएंगे इसमें। इसके अब जो बारे में कुछ है, बताइए जाओ। अब ये देखिए, बसंत पंचमी से शुरू होता है, तो जी जो की हरियाली के देव चढ़ली, जो की हरियाली के देव चढ़ली, जो की हरियाली, जो की हरियाली माँ देव चढ़ली, जो की हरियाली माँ देव चढ़ली, जो की हरियाली, जो की हरियाली के देव चढ़े, ऐसे इस तरह से हरियाली जी हरियाली के बारे में होता है। फिर होता है कि पंचमी हरियाली बर दे, वरदान भी मांग रहे हैं उस हरियाली से, क्योंकि सुख दुख हमले हमने जो है प्रकृति से ही साझा करा है हमने। और ये जी वाचिक परंपरा है जो कि लोकगीतों की संवाहक है, जी और ये पारंपरिक लोकगीत हैं, और ये व्यक्ति विशेष के नहीं, ये सब एक साथ मिलके इनकी रचना हुई है। एक लाइन मैंने बनाई, एक लाइन दूसरे ने बनाई, तब तक तीसरे ने तीसरी लाइन बना दी, इस तरह बहुत से। अच्छा, फिर ये मौखिक हमारी परंपरा है जो हमको बहुत विरासत में मिली है, और इसके जो हमारी संस्कृति है इसके संवाहक है हमारे लोकगीत। और फिर इसके बाद जो है, जैसे ये है पंचमी हरियाली बर दे, सोबना हरियाली बर दे, खोली का गणेशा बर दे, इसी तरह से सारे देवी देवताओं को अर्पित की जाती है वो हरियाली। और उसके बाद ल्यो फूल ब्योनी हे बाला गोविंदा, ल्यो फूल ब्योनी हे बाला गोविंदा, ल्यो फूल ब्योनी कुंती माता नाती, ल्यो फूल ब्योनी। पांडवों से संबंधित है, देखिए जरा हमारे लोकगीतों में हर तरह के लोकगीत आपको मिलेंगी, भगवान शंकर, भगवान बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, क्योंकि देवभूमि है, ऐसी भूमि ना तो कहीं है और ना कभी होगी। जी। अच्छा, ये पांडव भी हमारे व्यक्त, गीतों में काफी आते हैं शायद ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो ल्यो फूल ब्योणी गोविंदा फूलारा, ल्यो फूल ब्योणी सुबीदा को लाडी लो, ल्यो फूल ब्योणी जादी म्यारा बाला, ल्यो फूल ब्योणी फूला का बागवाना। इस तरह से फिर उन्होंने अपने नाती को, ये जो कुंती माता है, उन्होंने अपने नाती को भेजा कि तू जा अच्छा फूल ब्योण के ला, फूल ब्योण के ला। और तब वो देवियों में तब फेंकना शुरू करा, उन्होंने देवियों में अर्पित करना शुरू करा।
अर फूल देई छम्म देई देणी द्वार भर भकार। और तो हम इसको जदुगु पांडवों से देलावत भी गु जोड़ते हैं, बहुत अच्छे। अरे वाह, जदुगु देलावत गु सही, जदुगु देलावत ग पाला, जदुगु देल बलु तुकी पहल तुम। और ई देवी को बारंबार नमस्कार, ई देवी को बारंबार नमस्कार। इतना सुंदर हमारी यो लोक संस्कृति छ, प्रकृति से जीवन जुड़ी छ, है ना। आवा फुलारी फूल को सौदा, सौदा फूल बिरला, मारू का झूठा फूल ना तोड़िया, भौरों का झूठा फूल न लइया। जन छा ना कि अगर मैं फूल चढ़ाता हूं तो वो भौरे का झूठा है। बहुत अच्छा। वही हाँ वही भाव देखिए कितना बढ़िया है इसमें, है ना। फूल फूल माई दल चौल दे, गोगा फूल दे, गोगा फूल दे की डोली सजली, गोगा देवा खिल्या फूल, फूल फूल माई तू दल चौल दे, फूल फूल माई यू तेल देई। और इस तरह से गांव में जाते थे। मैं गई जब नालाता गांव में गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कभी नहीं भूल सकती उस चीज को। जी जब वहां गई तो मैं उसी दिन गई, ये जिस दिन फूल देई था और फूल जी संक्रांति, उसी दिन गई थी मैं वहां। तो रात भर एक ही गीत उन्होंने गाया, बहुत सुंदर, बहुत, अच्छा पूरी रात भर एक ही गीत गाए। अब कितना कितने कितना समृद्ध रहा होगा वो गीत। और उसके बाद जो है सुबह बच्चे आ रहे, फूल फूल माई दाल दे, चौल बहुत दे, अच्छे। आटू दे, गुड़ दे। और फिर वो बच्चे खुश हंस 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 के इतने बढ़िया बढ़िया फूल वो ला रखे हैं। और तब यही जो है, यही यही जो है हमारे लोकगीतों में भी फिर जी वो जी जी अवस्थित हो जाता है जो हमारे संस्कार है। और जी फिर उस जी तरह जी से तो फिर है, हे बालू फूलार क्या फूल चा, दिली महिरा क्या फूल चा, बिन सारी बगत क्या फूल चा, भैरी है की द्याखा क्या फूल चा, ऐगे ना फूलारी क्या फूल चा, फूल धनो देलियु मपिया फूल चा, दिली मा धैर्याल क्या फूल चा, बन बानी का फूल क्या फूल चा, लाल पिंगला फूलों न क्या फूल चा, दिली भौरी आली क्या फूल चा, फ्यूं लड़ी साखी सारी खा क्या फूल चा, बन बसा सारी खा क्या बहुत फूल अच्छा। चा, सितराज सारी खा क्या फूल चा, देवताओं को फूल यो क्या फूल चा, देली भोरे गैनी क्या फूल चा, धौली धौली बसिंगासी क्या फूल चा, वे मऊआ गुराल क्या फूल चा, वे मऊआ पुराल क्या फूल चा। अब इसमें बहुत सारे फूल ऐसे हैं जो पता ही नहीं होगा किसी को कि हाँ, मैं ये कौन देख रहा हूँ, कौन तो पूरा पूरा आपने बॉटनी का चैप्टर पढ़ा दिया गीत में। मतलब ये फूलों की बिल्कुल जानकारी पूरा, वो तो जीके का स्वभाव हो गया है। तो ये फूलों की जानकारियां इसमें मुझे लग रहा है गीतों की दी जा रही है इसमें। जी हाँ। तो इस तरह से हमने देखा कि जैसे हम जिस चीज को हम 50 50 वो पेजों में भी हम बच्चों को नहीं सिखा सकते, वो जी हम जी एक जी लाइन में से एक एक गीत में सिखा देते हैं, दो जी मिनट जी के जी गीत। और इस जी तरह से फिर सारी रात भर ये लोग गीत हमारे चलते थे और इनको जो है गाते थे फिर। और वो एक है इसीलिए इसीलिए हमारे जो गजेंद्र रौतेला जी वही कह रहे कि जो सबसे उत्पादक जो गीत होते हैं, जो मानवीय संवेदनाओं से भरे होते हैं ना, वो हाँ हमारे जमीन से जुड़े हुए होते हैं। और इसीलिए उसमें जो उसका वो उसका संस्कृति के साथ साथ उसका जो परिवेश होता है, जो उसके कल्चर और ज्योग्राफी होती है, वो भी उसमें आती है। तो
कहीं ना कहीं जो गीतों की बात करें तो ये जिस तरह का जो प्रकृति के साथ उनका जो जुड़ाव है और उसका ज्ञानवर्धन जो अगली पीढ़ी को कर रहे हैं, ये बहुत ही शानदार मतलब मुझे लगा आपका, ये बहुत अद्भुत बिल्कुल, है ये। ज्ञान वर्धन हर तरह से होता है। जी। इतिहास, भूगोल, रहन सहन, वातावरण, जितना भी है, और ये सब जो है इन लोकगीतों में उकेरा गया है, जो कि अद्भुत हमारे अद्भुत। पूर्वजों कितने कितने बड़े सृजनात्मकता थी उनमें। मतलब मेरे को बहुत आश्चर्य होता है ये देख जी देख के, जी ये लोकगीतों को सुन सुन के, लोकगीतों को गा गा के मेरा तो मन ही नहीं भरता। पता नहीं क्या बात है कि सुबह से शाम तक लगी रहती हूँ, तभी भी मैं सोचती हूँ कि ये छूट गया, वो छूट गया, ये छूट गया, ऐसे करके। और फिर बोलती कि आहा, कैसे करा होगा उन्होंने, कितना बढ़िया। अब जैसे ये है, हे जी बालू गोविंद, अब धुन भी देखी कितनी प्यारी है, हे जी 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 बालू गोविंदा चलू बैजा, कुंती माता नाती चलू बैजा, हे बालू गोविंदा चलू। जब वो बालू गोविंद जो है अर्जुन का पुत्र जो है, जब वो फूल चुनने के लिए गया होगा, जी तो जी जी उसके लिए सब और बच्चे बोल रहे हैं, गांव के बच्चे, कि बालू गोविंद तू छाए में बैठ जा। तो वो बैठता नहीं, अच्छा छाया पर फूल तोड़ता रहता है, और जी। पहले पेड़ को पूजता है और तब फूल को तोड़ता है उसमें से, और उसके बाद जो है तब देवी में चढ़ाने के लिए जाता है। तो वो बहुत सुंदर। पूरी कितना बढ़िया ये लोकगीत है कि मैं क्या बोलूं इसके लिए। हे बालू गोविंदा चलू बैजा, धर म्याली दादी को चलू बैजा, कन डाली पूजद चलू बैजा, नागों ते उड़ांद चलू बैजा, भूखों ते जी मा द चलू बैजा, कन देली पूजद चलू बैजा। और तब तक क्या हो गया, तब तक वो आ गई सुविधा, वो जो बदरा अच्छा है वो आ गई, हाँ वो कह रही अपने सास से कि हाँ जी सुना मेरी रौला। मतलब कितना बड़ा, इसमें देखिए कितनी बड़ी शिक्षा है इसमें, कि बहू जो है अपनी सास से क्या बोलती है, सुना मेरी रौला चलू बैजा, म्यारा बाला तेई चलू बैजा, फुलरुनी ठहराणो चलू बैजा, एक चाए कूत चलू बैजा, पलिंगा सीटू सा चलू बैजा, देखना को आँखो चलू बैजा, भूखों ते जी मांद चलू बैजा, देखना को आँखू चलू बैजा, म्यारू बाल वालो चलू बैजा, मीकुवती प्यारो चलो बैजा। वो बोल रही है सुधा सुभद्रा अपने सास से, बोल रही है कि तुम इसको मत भेजो, ये मेरे बहुत नाजुक है, ये मेरा बहुत प्यारा है, इसको क्यों भेज रही हो सास सासू माँ, तुम इसको क्यों हाँ भेज रही हो। तो सासू क्या बोलती है फिर, हाँ सुना मेरी बुआरी चलो चलो बैजा, तो उसका पट है ना, अच्छा चलो बैजा हर हर लाइन में आता है, सुना मेरी बुआरी चलो बैजा, पूता चूल्हे बुआरी चलू बैजा, नाती प्यारो हुंदा चलू बैजा, मीकू मेरी, मतलब पूत से नाती प्यारा होता है, जी। इसलिए इसलिए अपने तेरे पुत्र से मेरा नाती बहुत प्यारा है, मैं तो भेजूंगी इसको। वो अपने नाती को भेजती है, तब नाती बोलता है कि मीकू मेरी दादी
चलू बेजा करुणी बुणाणा, चलू बेजा मी डाली पूजूलू, चलू बेजा मी देली पूजूलू, चलू बेजा। तो इस तरह से कुंती माता का जो नाती है बालू फुलार, तो वो फुलार है, मतलब वो फुलारी है। अच्छा, मतलब तो हमारे यहाँ जो उसमें देवता हैं वो भी देहली पे आकर के बच्चों के, सिर्फ हमारे देवताओं के बच्चे जो हैं वो भी आकर के मतलब ये बिल्कुल इस त्योहार को बना रहे हैं, ये अद्भुत। अच्छा, इस पूरे उसमें जिसे फुलियारी में बच्चे जो होते हैं, अच्छा कई जगह मैंने देखा है कि जो लड़कियां होती हैं सिर्फ उन्हीं की टोली बनती है, तो ऐसा है या लड़का लड़की दोनों बच्चे जो जा रहे होते हैं, बच्चे सब बच्चे, मतलब बच्चे, छोटे बच्चे? हाँ कि कुछ बच्चे मतलब इलाकों में बच्चे। देखा सिर्फ लड़कियां जाती है। अच्छा, एक चीज और मुझे आपसे पूछनी है, बहुत से जो हम वो इसमें एक शब्द आता है फुलियारी, हाँ, फुलियारी हम उस बच्चों को कहते हैं जो उसकी टीम को कहते हैं? फुलारी तो हो गए सब सब, मतलब एक एक फुलारी एक तो होती नहीं, वो सब टीम बना के ही जाते हैं, तो उनको तब अच्छा बोलते हैं फुलारी। हाँ जी, पूरी तो टीम पूरी को। टीम जाएगी, पूरी टीम जाकर के अपना, और ये जो उसमें जो घोगा देवी के जो है, इसके बाद ये कैसे ये जाते, इसका भी कुछ पता है कि थोड़ा सा? हाँ बस इसका भी ये है ना, गोगा देवता को, ये भी जौनसार में भी गोगा देवता को पूजा जाता है, अच्छा अच्छा और अच्छा फुलारी उनको कंधे में ले जाते हैं, और जी इस जी तरह जी से फूल दे यार फुलारी जो है बल्कि गोगा मैंने देवता। रुद्रप्रयाग में हमारे मित्र लोग हैं, गजेंद्र रतौरा जी, और हाँ सभी, ये तो पूरा बाकायदा इनकी पूरा शहर में इनकी वो डोली हाँ निकलती है, अगर सुनी पूरे, हो वो हाँ घोगा फूल देवी डोली की। निकलती, हाँ तो ये जो घोगा पूरा देवता। वसंत का जो उत्सव है, ये जिसे आपने बताया कि हाँ फूल देवी को आपने आज व्यापक स्तर दे दिया है कि सिर्फ फूल देवी का 1 महीने का उत्सव नहीं है, ये 2-2.5 महीने के वसंत उत्सव का एक हिस्सा है, जिसमें होली भी एक इसका पार्ट आ रही होती है। तो मैं जैसे आपकी किताब देख रहा था तो उसमें ऋतु से संबंधित आपने लिखा है कि ऋतु संबंध बहुत सारे गीत हैं, झुमेलो है, चैती है, चौफिला है, छाछड़ी है, हम अभी तक जो हाँ जानते हैं वो जान रहे होते हैं कि जो धार्मिक गीतों के बारे में जान रहे होते हैं, जैसे हाँ पंड्या वगैरह, तो पर धार्मिक हाँ गीतों के लिए आपका कहना है कि बहुत सारे गीत जो है ऋतु संबंधित भी है, तो बिल्कुल सारे जो ऋतु संबंधित गीत हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या इन गीतों में, चाहे थड़िया हो या चौमासा, इनमें बाल गीतों की भी पुट है, ऐसे बड़ों के गीत हैं ये? नहीं, बाल गीतों के भी है इसमें, बाल गीतों में भी है, अच्छा बाल गीतों की भी है इसमें। जी जैसे वो है क्या कहते हैं उसके लिए, ये एक तो फूल फूल संग्रांत वाला हो गया, एक तो एक ये बारह वाला मासा भी, कोई मुझे कोई मतलब, तो बारह मासा करके भी है एक बारह मतलब मासा भी है। मैं कह रही हूँ कि अगर जी बारह मासा हम किसी स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं, जी तो उसको पूरे जो 12 महीने हमारे उनके बारे में, एक तो हमारे ये अच्छा ठीक तो है हमारे मास है, इनके बारे में पता लग जाता है, और इनमें क्या क्या होता है वो सब पता लग जाता है। तो इसमें मैं सुनाती हूँ आपको, 12 मासा जी पूरा जी जी पूरा जी पूरा साल भर का जिक्र उसमें है जी कि 12 महीनों की क्या खास बात, 12 महीनों की क्या खास बात, 12 महीनों मछरी तुछना, 12 महीनों मछरी तुछना, 12 महीनों की क्या खास बात, 12 महीनों की क्या खास बात, 12 महीनों मछरी तुछना, 12 महीनों मछरी तुछना, फूल फूला लचेता का मैना, आली बिखोत बैसाख मैना, कापल पाकल जेठ मैना। हर लाइन को दो दो बार गाती है, पर अच्छा, समय कम है, पर इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी गा रही हूँ। नहीं, को आप आराम से गाइए, लोगों को बहुत रस आ रहा है आपकी बातचीत में, कापल आपको लोग इस बहाने सबका मतलब। जी 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 बताइए। पाकल जेठ मैना, धान गोड्याला आषाढ़ मैना, कापल पाकल जेठ मैना, धान गोड्याला आषाढ़ मैना, आम पाकल सोना का मैना, मुंगरी पाकली भादो का मैना। बहुत भादो के बढ़िया मेरे में पता लग गया उनको, मुंगरी पक रही है। आम पाकला सोना का मैना, भादो मुंगरी पाकली भादो का मैना, जीरी पाकली सो आसूज मैना। अब जीरी पाकली क्या मतलब, जीरी माने धान, अच्छा, जीरी माने ये धान। हरियाणा में भी इसको धान बोलकर जीरी बोलते हैं ये? हाँ, अच्छा वहाँ कोई भी बोलते नहीं, हैं। यही है बस, भाषा का कोई कोई सीमा रेखा नहीं है, भाषा संगीत की कोई सीमा जी। रेखा तो नहीं। जीरी जीरी पाकल जी लिया सूझ मैना, आली बगवाल कातिक मैना, जीरी पाकल लिया बहुत बढ़िया। सूझ मैना, आली बगवाल कातिक मैना, यूं भूत्याला मंगसीर मैना,
यूं पड़ा लो पूसा का मैना, यूं पकाला पस मंग, यूं भूत्याला मंग सीर मैना, यूं पोड़ा ला पूसा का मैना। गेहूं पके, गेहूं बोते जाएंगे मंगसीर के महीने में, और अच्छा यूं पड़े, यूं पड़ल मतलब बर्फ पड़ेगी, किस कौन से महीने में, पूस के महीने में। फागुन में रंगों की होली, आजा बौजी आओ बौजी खेले ला होली, बांजा का डाला बांजा का घेना छोलो का बीचा, बांजा का घेना छेलू का बीचा, अनाड़ी छोला छोरा रमडाई दे लो, बेटी बुआरियों की तू गाली खेलो, अनाड़ी छोरा लमडाई दे लो, बेटी बुआरियों की तू गाली खेलो, 12 महीनों की क्या खास बात, गा 12 महीनों की क्या खास बात, 12 महीनों मछेरी तू छना, 12 महीनों मछेरी तू छना। ये है बहुत सुंदर। तो ये अब बच्चे को जैसे, अगर बीज रटा दो तो आपको तो बस उसको पूरा 12 महीने का क्या फसलें हैं, क्या नाम है, वैसे ही याद है। बच्चों नाम याद नहीं होते अदरवाइज तो, कि कौन बिल्कुल कौन से हमारे जो देशज बहने हैं उनके नाम याद। तो इस गीत में के माध्यम से सब वो भी याद होगा, फसलें भी याद हो रही है। ये तो बहुत अच्छा गीत सुनाया आपने। मतलब ये अगर अब अगर हमने ये लोक पढ़ा संस्कृति है, है, ये है हमको लोक जो है, संस्कृति हाँ जिसको स्कूलों के साथ जोड़ना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये बहुत जरूरी है। कितना और आसान हो इसी जाता में है जो फिर। है, इसी में बहुत सारे लोकगीत हमारे ऐसे हैं जिनमें शिक्षा प्रद है, जो शिक्षा प्रद, कि जैसे बता जैसे रे बताएंगे। मासी को फूल हाँ कबीला सा, हाँ रे हाँ ये बड़ा मासी कभी। को फूला हाँ हरी कुंजा, रे मासी को फूला हरी कुंजा, कै मैना मोला लो हरी कुंजा, वे चैता मोला लो हरी कुंजा, बैसाख फूला लो हरी कुंजा, बैसाख फूला लो हरी कुंजा। और सबसे बड़ी चीज यह है, भगवान महादेव को मासी का फूल चढ़ता है, और इसमें बहुत सारे विद्वानों ने, हो सकता है कुछ गलती से हो गया या कैसे हो गया, रह मासी को फूल लिखा हुआ, रह मासी को फूल नहीं होता, वो होता है मासी को फूल, रह उसके अच्छा साथ विस्मयादि बोधक शब्द है। आहा, अच्छा अरे कितना सुंदर फूल खिला हुआ है, कौन सा फूल है, मासी को फूल है, वही मेलू सारी का, उस मेलू के जैसे कौन सा फूल है, आहा ये मेलू का फूल है भाई। तो ये रह जो है वो विस्मयादि बोधक शब्द है, और वो जो है मासी के साथ जब जुड़ जाता तो अरे मासी का फूल कितना बढ़िया है, अच्छा इस अब तरह क्या, से। कई लोग तो इसको रैमासी का फूल ही कहने लगे। वो इतना पॉपुलर हो गया है, ना रैमासी का फूल नहीं फूल ये होता, और रे मासी मासी का फूल नहीं होता, अरे का फूल मासी है। अच्छा अच्छा उसको तो कई मैंने देखा आर्टिकल्स में, उसको शब्द जो है कई जगह मैंने देखा। हो सकता है वो गलती से ही हुआ हो, पर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। अच्छा एक एक कोई हमारे में वो जानना चाह रहे हैं कि आपकी पुस्तक का नाम क्या है, तो मैं बता दूं, जो दीदी की जो किताब है किरण तिवारी जी का ये सवाल है, ये मैं इसे कैमरे के पास ले आता हूँ। ये उत्तराखंड गढ़वाली लोकगीतों में राग रागिनिया, इसको धार ने प्रकाशित किया हुआ है। ये काफी मतलब पूरे अच्छी खासी आप देख सकते हैं, खूब मोटी किताब है ये। पूरा कितने हैं ये, 385 पेज की किताब है ये। पूरा इनकी पीएचडी थीसिस है बेसिकली ये। तो जो हम जिससे बात कर रहे हैं वो जो कहते हैं वो डॉक्टर है एक्चुअली में, इस जिनके बारे में हम सोचते हैं कि अच्छी गीतें क्या है, वो सीधे डॉक्टर से। जी तो आप दीदी प्लीज अपनी बात को बढ़ाइए आप। तब ये जो है, ये मासी का फूल जो है, इसके बारे में जी बता रही थी। दूसरी चीज ये बताना चाहूंगी जी कि ये जो पुस्तक है, इसमें हाँ मतलब केवल स्पर्श मात्र है लोकगीतों का, तो फिर दूसरी किताब। अच्छा आपकी बाकी किताब कब आ रही है? मेरे ख्याल से इसमें जो चार बच्चे, किताबें, तो चार किताबें तो अभी आपकी प्रकाशनाधीन है शायद ना, हाँ 4 किताबें तो मैंने ये बस लॉकडाउन अब उनका इंतजार कर रहे हैं उस खजाने का, हाँ कि हाँ मतलब जल्द से ऐसी जल्द ऐसी वह। किताब, मतलब मुझे बहुत आश्चर्य है खुद ही कि मैंने कैसे कैसे करूं, रोज मैं उनको किताबों को जब पढ़ने जाती हूँ तो मुझे लगता है कि फिर ये कमी रह गई, फिर इसमें ये जोड़ना जी चाहिए, फिर ये जोड़ना चाहिए, जाने कितनी बार अब मैं उसमें बिल्कुल आंख ही बंद कर ली मैंने अब नहीं, तो उसको तो आप उसको आगे जैसे, अच्छा जैसे आप कह रही थी कि आप इस संस्कृति के जो धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करती हैं, तो आप स्कूलों वगैरह में भी कार्यक्रम, स्कूलों बच्चों हाँ को ट्रेन करती हैं, कैसे करते हैं आप? स्कूलों में भी जाती हूँ मैं,
और उसमें ये होता है कि स्कूल वाले बेचारे मुझे आने जाने मतलब सुविधा कर देते हैं मेरे को, कि मेरे को साथ ले जा लेते जी हैं, जी बस मैं जी वहां जी चले, जी जी कोई कोई उसमें मैं कोई मानदेय नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक रोटी खाती हूँ मैं, मेरे को क्या, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कितना खाएगा भाई आदमी एक तो रोटी जैसे खा हम के। एक गीत आपने उनको जैसे धुन दे दी, गीत लिख करके दे देते हैं आप, मतलब फिर उनको वो रिकॉर्ड कर या रहे हैं, आपने वो कोई रिकॉर्ड कर, और उसके बाद या फिर आपने उसको कुछ कुछ प्रैक्टिस गीतों को करते रहे। YouTube में भी डाल रखा है कुछ किया? हाँ उसको भी कर सकते हैं, इस यूट्यूब से भी कर सकते हैं। आप ये जी जी देखिए कि सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ है, उन्होंने हाँ जी गढ़वाल महोत्सव वहां पर किया और उन बच्चों ने सीखा वहां पर हमारे लोक बहुत गीत अच्छा जितने, और कितना अच्छा बढ़िया उन्होंने करा कि हमारा जो व्यावसायिक लोकगीत था मेरा बाजू रंगा रंग बिचारी, उन्होंने उसको उस पे कथक करा और अरे कितना बाप रे सुंदर करा बाप, उन्होंने, कि अद्भुत। मतलब खुद हैरान, ये हमारे बच्चे भी कर सकते हैं, हर स्कूल का बच्चा कर सकता है, अच्छा, क्यों काबिलियत। आपने इस गीत को व्यावसायिक गीत बोला है, हाँ थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ये जरा इसमें व्यवसायिक व्यावसायिक गीत व्यवसायिक मतलब? व्यवसायिक जाति वाले जो लोग लोग थे, जो अच्छा अच्छा घोड़ा जो वो गाते थे इस गीत में, वो वो लोग जी। इन लोग इन लोकगीतों में अच्छा, गाते थे जिससे हम तो, मतलब जीविका जीविकापार्जन जो करते थे इन हाँ गीतों से, जीविकोपार्जन था उनका, जी 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 है जी ना, तो उसमें जो है, और कितने मतलब कितने नीति परक हैं ये लोकगीत, कितने नीति परक हैं ये लोकगीत, किसी कसौरियो मनी जानू बड़ो की, सी कसौरियो मनी जानू नी जानू नी जानू नी जानू, सी कसौरियो मनी जानू बड़ो की, कभी है सी नी कनी छोटो की, हे राजा हे मनिया राजा, हे राजा हे मनिया राजा, ये इस तरह से है ये लोग, है ना। और क्या कि काली गौड़ी की काली चुबाची, काली गौड़ी की काली चुबाची, काली गौड़ी की काली चुबाची, सयानी नौनी मांगनी अच्छी। अब हम बोल रहे हैं कि जब बच्ची सयानी हो जाए, 18 साल की हो जाए, तब शादी करो, हमारे लोकगीतों में कब कह दिया इसको, अरे सैकड़ों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले, कि काली गौड़ी की काली चुबाची, सयानी नौनी मांगनी अच्छी, सयानी नौनी मांगनी अच्छी, हे राजा हे मनिया राजा, हे राजा हे मनिया, ऐसे हमारे बहुत सारे लोकगीत हैं कि झंगोरा की बाला, झंगोरा की बाला। अब देखिए कितना बढ़िया है, इसमें कितना बढ़िया संदेश है कि तेरा घे झंगोरा की बाला, झंगोरा की बाला, तेरा चोलो चुलाये मेरा भामोरा लाला, खैणी जाली दूबा, खैणी जाली दूबा, तेरा घिंडा गेली चुलाये मेरा दुई छोरा खूबा। हम लोग बोल रहे हैं परिवार नियोजन करो, परिवार नियोजन करो, हमारे लोकगीतों में तो ये हजारों साल पहले बिल्कुल लिख गया, हमारे लोकगीतों में हजारों साल पहले इसका मनन करा उन्होंने कि तेरी घिंडा गेली चुला ये मेरा दुई छोरा खूबा, तेरे बहुत सारे बच्चों से तो मेरे दो बच्चे ही अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक। है ना। ऐसे कि अगर बहुत खूबसूरत है कोई लड़की और उसमें गुण ही नहीं है तो क्या बिल्कुल ठीक करना उस बोल, सुंदरता का, बिल्कुल सही बात है। वो तो एक दिन काम आएगी, दूसरे दिन थोड़ा आएगी, दूसरे दिन तो भाई उसकी उसकी काबिलियत ही देखी जाएगी। तो वैसे ही है कि खैणी जाली दूबा, खैणी जाली दूबा, तेरी स्वाणी मुखड़ी से मेरी चपन्या क्या खूबा, तेरी स्वाणी मुखड़ी से मेरी चपना क्या स्वाणी। कितना बढ़िया, कितने बढ़िया ये लोकगीत हैं। अद्भुत अद्भुत। और अब मैं बता दूं, जो लोगों का रिस्पांस आ रहा है मैं आपको बता नहीं सकता, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं और उसको इतना रस आ रहा है, जो आपकी मोहब्बत है इन गीतों के प्रति वो लोगों तक, वो लोगों के दिलों तक पहुंच रही है। दीदी मैं आपको बता दूं, आज के कार्यक्रम के माध्यम से ये मोहब्बत का ये होता है, वो फैलती है, वो तो जो आपके जो गीतों की जो मोहब्बत है वो फैल ऐसा रही है। होता है इन जी लोकगीतों से हमारी आत्मा जुड़ी हुई है, जी 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 हो सकता नहीं, तो इस है हमने आत्मा किसी से, से
शहरीकरण में क्या हुआ है कि बहुत सारी लोक संस्कृति और छूटी भी है। खत्म हो अब चुकी, पिछले खत्म हो पिछली चुकी। एक पीढ़ी में क्या हुआ कि गढ़वाली भाषा देहरादून तक में लोगों ने, ऋषिकेश में, देहरादून में लोगों ने बोलनी बंद की। जब भाषा ही बोलनी बंद कर दी तो फिर उसको आप उसकी तो कहाँ समझेंगे। तो अच्छी बात है कि आप जैसे लोग हैं जो उसको दोबारा जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा प्रयास भी है, बल्कि इस पूरे फूलदेही में हमारा प्रयास रहेगा कि हफ्ते भर में आपके और आप जैसे सरीखे जो लोग बहुत जान लगा करके समर्पित हो रखे हैं संगीत में, उनसे बातचीत करें, और इस लोक संगीत के जो जो पक्ष है वो हर हफ्ते हम किसी न किसी अच्छे से बातचीत भी करें। तो दीदी आप मुझे एक सवाल ये पूछना है, बच्चों के जैसे गीत होते हैं, अब बच्चों के गीत में मस्ती और हास्य खूब आता है आजकल, जैसे हाँ, रैप का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो कोई आप मुझे आपसे बातचीत हुई थी कभी वो रैप सॉन्ग के बारे में, तो कुछ इसके बारे में बताइए हमारे दोस्त मित्रों को, जब दर्शकों को, ये जो एलिमेंट ऑफ इसमें फन जो जो है, है मतलब हाँ रैप इसमें जो सॉन्ग। है ये क्या बोलते हैं उसके लिए, जैसे हमारे लोकगीत थे तो उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं बच्चे कि वो अपने अपने गुणमुण गुणमुण करते रहते हैं। जब ये बड़े बड़े तो गाते रहते हैं अपने, तो वो भी अपने गुणगुणा, वो भी सीखते हैं फिर उनसे, और कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया ऐसे भी करते हैं बच्चे। और जी उसके बाद जो है तब ये बच्चे जैसे रम छम बजर को बीड़ा हे बुए मिथे सालो ना पीड़ा नौ पलली छन चप्याई हे बुए मिथे सालो ना पीड़ा। अब नौ पलली जब उसने छनचा पी लिया तो जी ना पीड़ा तो होनी है भाई उसे, जी बिल्कुल ठीक है। हाँ। हाँ अब वो फुलारी बन के गया होगा, उसको मिलेगा मिल गया होगा छाछ, फिर उसने पी हाँ लिया। अब नौ हाँ पलली छन चप्याई हे बुए मिथे सालोना पीड़ा हे बुए मिथे सालोना पीड़ा। और तब दूसरे बच्चे उसको, जो वो लेटा रहा होगा ना सालोना पीड़ा में, तो हाँ दूसरे बच्चे कह रहे हैं मोर मक्कड़ खिन्न की लक्कड़ उड़ूंगी पलटूंगी डूंगी ढसान पहला किल्ला तोड़ी मैं छुरी घसान। और फिर हा हंसना उन्होंने, और फिर फौंपती हाँ खेलना फम 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 ऐसे दोनों हाथ पकड़ करके ऐसे करके, और तब खूब घूमना उन्होंने जोर जोर से। तो तो इस मतलब तरह से ओ नौ नौ डलोनी अर सखना हे बुए मिथे सलोना पीड़ा है नौ ना, डले रम ऐसा। बजर को बीड़ा हे बुए मिथे सलोना पीड़ा नौ डलूनी अरसा खेना नौ डलूनी अरसा कम नहीं उन्हें हे बुए मिथे सलोना पीड़ा हे बुए मिथे सलोना पीड़ा मोर मक्कड़ किन्ना की लक्कड़ उड़ूंगी पलटूंगी डूंगी डसान गैल किल्ला दौड़ी मैं छुरी घसान। फिर हा हंसना उन्होंने, तो इस अरे तरह से मतलब ओवर ओवर ईटिंग से एक लड़का परेशान हो रखा है, बड़बड़ा रहा है, वो गीत में बड़बड़ा रहा है, अब बाकी सब उसके मजे ले रहे हैं, मतलब ये गीत है कुल मिला बस के। उसके हैं मजे ले रहे हैं, बताइए हाँ। और इसी तरह से हमारे लोकगीत हैं, और भी लोकगीत हैं, जैसे हमारे जी। जैसे ठीक वो फूल चुनने के लिए गया हुआ है बच्चा, है बच्चे गए हुए मतलब कोई लड़की लड़का कोई भी गया हुआ है फूल चुनने के लिए, तो नैनीताला कुंजरी का झाला नैनीताला कुंजरी का झाला। ये हमारे बहुत उत्तर हमारे चमोली गढ़वाल का ये गोपेश्वर साइड का ही लोकगीत है। इसको मैंने जी 70 के दशक में इसको सुना था मैंने। तो ओके नैनीताला कुंजरी का झाला नैनीताला कुंजरी का झाला को छरे कुंजरी का झाला को छरे कुंजरी का झाला मी छोरे कुंजरी का झाला मी छोरे कुंजरी का झाला सादा फूलों का रुचि भरूलू बासी फूलों की माला गांठियोलू सादा फूलों का रुचि भरूलू बासी फूलों की माला गांठियोलू दादा दीना तो दादी रिसानी दादी दीना तो दादा रिसानो तै चूली मैं अफी गांठियोलू तै चूली मैं अफी बणोलू। क्या हुआ इसमें, इसमें जी। क्या हुआ कि वो गया हुआ है वो कुंजर का झाला में, वहां पर जंगली वो है फूलों का पेड़, उसके नीचे बैठा हुआ है फूल चुन रहा है वो, और अच्छा उसके तक किसी ने बोला अरे भाई कौन बैठा हुआ है इसके अंदर, वो बोल हाँ रहा कि मैं बैठा हूँ और हाँ क्या कर रहा हूँ मैं इसमें, जो है जो अच्छे फूल हैं सादे फूल हैं मतलब जो ताजे फूल हैं उनकी तो मैं डोलची भर रहा हूँ, और अच्छा जो जो उसमें बासी फूल है उसकी मैं माला बना रहा हूँ। ओके तो फिर उनसे उन्होंने उससे पूछा होगा कि भाई तू ऐसे छुप करके क्या काम कर रहा है ऐसे सामने आ जा, तो बोला कि अगर मैं दादा को बताता हूँ तो दादी गुस्सा होती है ठीक और है दादी को बताता हूँ तो दादा गुस्सा होता है, तो इससे तो बढ़िया मैं खुद ही बनाऊंगा तो मैं छुप के ठीक बना रहा हूँ फिर ये। तो इस तरह है से अरे उस दिन वाह दादी ने बोला होगा मत बना तू,
या उसके दो हाँ अर्थ हाँ दादी ने भेज 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 नहीं रहे होंगे उसको बनाने के लिए, या उसको हाँ जो है दादाजी ने बोला होगा कि मैं बनाऊंगा, दादी ने बोला होगा मैं बनाऊंगी, तो अब दोनों दोनों ही गुस्सा हो रहे होंगे एक दो, तो इसलिए बढ़िया मैं ही बना रहा हूँ, तो बहुत ये भी अच्छा। है। दूसरी चीज ये है, घूम घूमा बाजली जौला मांगेरी, घूम घूमा बाजली जौला मांगेरी, कै को धरा मां बैजौला मांगेरी। जब बच्चे ना फूल चुन के और उसके बाद फूल उल डाल डुल के, और बुध बच्चों ने सब ये लोग ही सुने होंगे, उसके बाद जो है तब वो मंगेरी मतलब जो है जौला मंगेरी जुड़वा मंगेरी रही होंगी वो, तो घूम 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 की आवाज हो रही होगी जब पानी उसमें से जी रिस रहा जी होगा, था पानी उसमें जी से बह रहा होगा, तो वो कह रहे कि किसका धर्म है, किसके धर्म, कौन सा धर्मात्मा था जिसकी वजह से ये जौला मंगेरी है, तो उन्होंने कहा दादी का धर्म, मेरी दादी का धर्म है, बच्चे बोल रहे हैं मेरी दादी का धर्म है। तो ये लोकगीत ऐसे हैं कि बच्चे भी गाते हैं, सब गाते हैं, इनको बच्चों के लिए भी है ये कि दादी को धरम जौला मांगेरी, दादी को धरम जौला मांगेरी, घुमा घुमा बाजली जौला मांगेरी, घुमा घुमा बाजली जौला मांगेरी। तो इस तरह से ये जौला मांगेरी की बात भी आ गई। अब वो रैमासी अच्छा वाला फूल जो जो था ना, वो जी जी बहुत जी अच्छा लोकगीत है वो रैमासी वाला, तो वैसे ही हाँ जो है अब उसमें संगीतात्मकता देखिए जा, जी कि वही गीत जो है रुद्र भगवान रुद्र को अर्पित होता है मासी का फूल, और रुद्र ताल में ही निबद्ध है 11 मात्रा, अच्छा। और वही जो है फिर 12 मात्रा में धा धा दिनता किट धा दिनता किट गत गदी गण, वो 12 मात्रा में निबद्ध हो गया, फिर वही धा किट धिन धिन ना किट धिन धिन, ये फिर वो दीपचंदी में वो हो गया। अब देखिए बच्चों के लिए संगीत, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जो संगीत जिनकी आवाज अच्छी है, तो उनको संगीत सीखना चाहिए, संगीत विषय भी लेना चाहिए उनको, है ना, तो वो इसको भी वो उनको इसमें शोध भी करना चाहिए, शोध 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 करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है ये हमारे लोकगीत, ऐतिहासिकता भूगोल भौगोलिकता, इसमें समाजशास्त्र, इसमें ज्ञान विज्ञान, इसमें प्रकृति रूप, इसमें हर चीज है, भाषा साहित्य क्या नहीं है इन लोकगीतों में, सब कुछ है, जी सबसे बड़ी जॉर्ज बात है एस कि हम होलिका हमारा गणेश। हमारा ज्योग्राफी का जो ज्ञान है, हमारा जो पूरा उत्तराखंड है, जैसे हमें कोई बीच में दिल्ली में पूछा था कि भाई तुम्हारे फेस्टिवल क्या क्या होते हैं, तो कुछ साल पहले की बात थी, तो उस टाइम हरेला केला को दूसरा नाम याद नहीं आता था। आज मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे फूल देखे पर इतने सारे हमें मैसेजेस आ रहे हैं, इगास के और बातचीत आ रही है, तो कहीं ना कहीं क्या कि हमारी संस्कृति पे आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों ने एक पुनर्जागरण का समय भी है कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड में। कुमाऊं के फेस्टिवल्स को, जो कुमाऊं के फेस्टिवल मूल रूप से है वो नहीं गढ़वाल में लोकप्रियता पा रहे हैं, जो लोग जो गढ़वाल के मूल के जो त्योहार हैं वो कुमाऊं में बहुत सारा, अब पूरा एक साझा जो है उसको उत्तराखंडी फेस्टिवल के तौर पे बड़े पैमाने पे लोगों का फैलाव हो रहा है, लोग एक त्योहार जो मनाने की वाली फीलिंग है। और ऐसे में मतलब ये जो आप लोग धरोहर पास ऑन कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, ये बहुत बड़ा काम है। अपनी जड़ों को जानने का जो प्रयास, जो भूख लोगों में बड़ी है, जो चाहत बड़ी है, मैंने कहा पुनर्जागरण, उसमें आप जैसे लोगों का रोल खेल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और मैं अपने दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा दीदी के बारे में ही, जो हमारे वाद्य यंत्र इस्तेमाल होते हैं दीदी, उन लोगों में से जो जिन्होंने लोगों से मिलते हुए, जैसे उन्होंने बताया था कि माणा में गई है कहीं घूमने गए, तो कोई दीदी कितने 36 वाद्य यंत्र थे ना जो आपने खोज निकाले थे बीच में, तो कुछ उसके छत्तीस बारे में बात बताएंगे आप जरा क्या थोड़ा सा आप। 36 वाद्य यंत्र हैं उनमें, मैंने जब उसको इसी में ये जो किताब है इसमें सब 36 वाद्य यंत्रों के बारे में लिखा हुआ है, जी मैंने जी ये भी जी देखा कि 13वीं हाँ शताब्दी में, इसको बताते हैं कि 13वीं शताब्दी में जो है इसका हाँ आविष्कार, तबले का आविष्कार फलाने ने करा, ऐसे ठीक लिखते है। हैं संगीत हाँ जी संगीत किताबों में आप जी जी पढ़िए, जी अमीर खुसरो लेकिन के नाम माना हमारा जाता है तबले को। हमारा जो ढोल सागर है हाँ उसमें 36 वाद्य यंत्र में तबला भी है उसमें, तो कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी आश्चर्य की बात है ना,
तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे जो है 36 36 वाद्य यंत्र, इनमें जो है बहुत सारे वाद्य यंत्र तो अभी भी जौनसार में हैं। तो अच्छा, हमारा इस्तेमाल होते कर्तव्य हैं, है कि हम उनको उनको इस्तेमाल होते हैं। संरक्षित, जो जौनसार में हमारे अपने अपने लोग हैं उनको हाँ उनको हाँ संरक्षित हाँ करना चाहिए। जी, छिनाई बिनाई हर चीज है वहां। मैं देख रहा हूँ, तत्वाद्य, सुशीर वाद्य, मैं हाँ पढ़ रहा हाँ आपका, धन वाद्य वाद्य, वाद्य औनद वाद्य, चार चार श्रेणी में आपने इनको बताया है, हाँ मतलब ये। हाँ और मैं बता और दूं, जैसे जो ये तत्वाद्य होता है, ये तार से बजा हाँ रहे जो है, ये तारंगे, बिल्कुल एक बिल्कुल तारा, दुतारा। हाँ। और ये जो है ये भी लिखा है मैंने उसमें कि ढोल ढोल सागर में जो ताले हैं ना उनको भी जी मैंने जी इस किताब में उनको भी लिपिबद्ध करावा है। तो अगर कोई बच्चा सीखना भी चाहे तो वो इसको सीख सकता है। उसको जी केवल यही देखना पड़ेगा कि झेनन्ता कैसे बजता है। अगर झेनन्ता उसको बजाना आ गया तो इसमें से पढ़कर वो झेनन पूरा ताल भी सीख सकता है ना। अच्छा जी, हाँ और इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि हाँ मैं वो शास्त्रीय संगीत के निकष पर जब मैंने देखा इसको तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि रुद्र ताल में निबद्ध है 11 मात्रा में, और वही वही लोकगीत फिर 12 मात्रा में निबद्ध है। थोड़ा सा नीचे हम अच्छा, उतर जाते हैं एक ही गीत जब को। चमोली से हम थोड़ा नीचे उतर जाते हैं तो वही हाँ लोकगीत जो है। जब मैं लाता में गई थी तो लाता में जब मैंने ये सुना तो मैंने देखा कि 11 मात्रा में निबद्ध है। मुझे बहुत हैरानी हुई, बहुत आश्चर्यजनक। अगर वही रुद्र ताल में निबद्ध और भगवान रुद्र को अर्पित हो रहा है वो लोकगीत भी और वो फूल भी, और वो रैमा वही सिंह का जब फूल, होते हैं रैमासी का हाँ फूल की बात कर रहे हैं आप हाँ शायद ना। तो जब 11 मात्रा में है तो रे मासी को फूला हरी कुंजा 11 मात्रा, और वही जब हम बोले कि रे मासी को फूला कबीला सा, ये 12 मात्रा में हो गया। रे मासी को फूला कबीला सा, ये 12 मात्रा में, और फूला कबीलास जब हम नीचे आ जाते हैं और नीचे ये पौड़ी या टीरी इस साइड में आ जाते अच्छा, हैं तो फूला कवि भाव वही है, ताल बदल गई, थोड़ा सा धुन भी बदल जाती, थोड़ी सी लेश मात्र। फूला कबीलास रे मासी को फूला, ये थड़िया कहलाता है, जो ठीक हमारे है। अच्छा चमोली में है वो चांचड़ी कहलाता है, जो हमारा कुमाऊं से जुड़ा हुआ है, जो हमारा गढ़वाल का क्षेत्र वो कहलाता है झोड़ा। हाँ आहा रे मासी को फूल फूलो कैलासी का डांडा, आहा। अभी हम लोग नीचे है ना तो कैलासी का डांडा बहुत ऊंचा है, हम हाँ कैलासी का डांडा बोल रहे हैं यार, कबीला सा बोल रहे हैं कैलाश पर्वत के लिए, और जो वहीं पर रहने वाले हैं तो वो हरि कुंज बोलते हैं। कितना अच्छा, अंतर है, कितना बताओ, कितना इसमें भाव तो वही है, मतलब जो उसकी भाषा तो है। दूरी, जो दूरी से बना जो रिश्ता है, वो गीतों में भी रिफ्लेक्ट होने लगा है, मतलब हाँ बहुत सुंदर। हाँ आहा रे मासी को फूल फूलो कैलासी का डांडा, ओहो री तू बौड़ी बौड़ी है गे कैलासी का डांडा, आहा बन बनी का फूले खिल्या कैलासी का डांडा, आहा कति बास मान वेगे कैलासी का डांडा, आहा देवतों को त्योहार उरे कैलासी का डांडा। कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया बोला है। और एक ये है कि छो छम, कितना बढ़िया, आप देखिए इसको इसको सुनिए कितना बढ़िया है। छो जी, छम छका छम तर बूंदा चटपटे सबों की मथुरा रे तू माँ रे बोले छम, बारी बाजी जा लोटा
डंक मथुरा बाजी जालो डंक जम ऊंचा कैलास जान मथुरा वकीली ज्वाला बहुत संख जम। अब वो ऊंचे पैर कैलाश पर्वत पे जा रहे हैं यात्रा में, अब वही शंख भी वही ले जाएंगे, बस अपनी गाय भैंस भी वही ले जाएंगे, वही गीत बनाएंगे, वही भगवान को अर्पित करेंगे। ऐसे ऐसे लोकगीत हैं, ऐसे ऐसे बढ़िया लोकगीत है ना। अब अथाह समुद्र है, उसमें गोता लगाने के लिए तो नहीं, बहुत समय लगता है। वो तो उसमें बहुत ज़्यादा है। और इनफैक्ट अभी मैं, आप विश्वास नहीं मानोगे, हमारी बातचीत को 1 घंटा पूरा हो चुका है बात करते करते। हाँ पर जैसे हमने हमारा ये था कि बहुत बड़ा विस्तार है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि उसको सिर्फ हम फूलदेई और उसके इर्द गिर्द के जो है उस वसंत उत्सव तक बस रखें। केवल आप ही, जबकि हमने होली के गीतों पे तो बात ही नहीं की, जो कि इस वसंत हाँ ना उत्सव ना का वो ढाई तो, महीने का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। हाँ वो तो दूसरा बात, प्रकृति प्रकृति के प्रेम को जो हमारी संस्कृति के साथ जिस ढंग से गुत गई है, जिस हाँ हमारे गीतों में, संगीतों में, नृत्य में, उसको रिवाइव करने का जो प्रयास सभी लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, वो एक अद्भुत प्रयास है। तो दीदी, हम अपनी बातचीत को अपने विराम देने से पहले आप कोई गीत, अच्छा, गजेंद्र रौतरा जी कह रहे जारी रखिए सुनील भाई, और अच्छा मैसेज कोई आप कोई इसी 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 बता। अच्छा, मैं फिर एक सवाल पूछता हूँ अपना सवाल। हम झुमेलो, चेती, चौफिला से बहुत कुछ बोलते रहते हैं, हाँ इनमें सबसे आपको कि होता क्या है कि शहरों में, खासतौर पर जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो होता हाँ क्या कि प्रोग्राम जो होते हैं, दो चार को टीम आती है, वो अपना वो दो चार लोग, 5 लोग मिलके एक ही किस्म को गीत को गाते हैं, हमें लगता है पूरे साल भर यही गाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो हाँ वो झुमेलो क्या होता है, थड़िया क्या होता है, उसका फर्क मिक्सअप हो जाता है। तो मैं हाँ जैसे जो सबसे ज्यादा जो मैंने सुने हैं, थड़िया का, झुमेलो का, चेती का, इनमें फर्क क्या होता है, थोड़ा जरा, चलो एज आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ जरा, क्या है ये देखिए, झुमेलो, थड़िया झुमेलो लोकगीत जिसे वैसे, कोई समझ आता है, मोटा मोटी झूम लो। हाँ तो ये जो है थड़िया लोकगीत तो जो है ना, थाड़ के जी, लोकगीत हमारे जो होते हैं, थाड़ मतलब आंगन, आंगन, पंचायत अच्छा, चौक, जहां पर पंचायती चौक, तो थाड़ जी के जी जी लोकगीत मतलब थड़िया, थाड़ के मतलब थड़िया, थड़िया लोकगीत। अच्छा तो थड़िया अच्छा जो लोकगीत में, आंगन में गाए जाने वाले जो गीत हैं हाँ उनको हम थड़िया बोल रहे हैं। वेरी गुड, थड़िया ठीक है लोकगीत। तो ठीक अब है, थड़िया लोकगीत जब शुरू हो जाते हैं तो फिर हाँ उनमें जी, सारे लोकगीत, हमारे सारे पूरे साल भर के लोकगीत उसमें शामिल हो जाते हैं। अब चौथा अच्छा, थड़िया लोकगीत तो अक्सर जो होते हैं वो देवी देवताओं से संदर्भित ही होते थे पुराने, बहुत जो सबसे सबसे पुराने जो हैं वो देवी देवताओं से संदर्भित या प्रकृति संदर्भित ही होते थे हमारे लोकगीत थड़िया। और जो जी, चौपले होते हैं वो श्रृंगार रस प्रधान भी होते हैं, उसमें सवाल जवाब, उसमें सवाल जवाब तो अक्सर सभी लोकगीतों में होता है हमारे यहाँ, और वो हाँ, संवाद प्रधान होते हैं। और जो चौपला लोक नृत्य गीत है वो श्रृंगार रस प्रधान भी होता है, अच्छा, चौफुला में वो चार, श्रृंगार रस। ये चौफुला का अर्थ क्या होता है वैसे? चौफूला मतलब चारों तरफ से फल फला फूला। अच्छा हाँ जब माता पार्वती है ना, माता पार्वती की शिष्या जी कौन जी थी, बाणासुर की लड़की उषा। अच्छा जब कैलाश पर्वत से वो लोग उखीमठ में आए होंगे यहाँ ओंकारेश्वर में, जी, तो वहां पर माता ने इसको सिखाया होगा, ये दीदी कौन जिस ढंग से आप चौपला। बता रही है ना, जिस ढंग से आप बता रही है, मुझे यूं लग रहा है कि शायद देवी देवता हमारे घर के मेंबर हैं, जैसे कि मतलब हमारे हाँ अपने हाँ लोगों में से एक है। हम उनकी गोद में बैठे हैं भैया, हम तो उनके चरणों में, चरणों की धूल है, देवी देवताओं बहुत के चारों सुंदर, तरफ से वही है कि चला चला देवताओं जी झा मैं को। जब सारे दुनिया में उनको कहीं अच्छा स्थान नहीं मिला तो उन्होंने कहा देवताओं ने कि उत्तराखंड जो जाएंगे, भूगोल है इसमें, उत्तराखंड जाएंगे। तो उत्तराखंड भूमि कहाँ है, तो सब देवता नमान जो थे एक साथ शामिल हुए और फिर आ गए वो, उत्तराखंड भूमि जी झमको पवित्र बतूनी जी झमको, चला चला देवताओं जी झा मैं को, उत्तराखूंट ज्वाला जी झा मैं को, तेसान की भूमि जी झा मैं को, आपा भी न दूषित वे गाई जी झा मैं को,
उत्तराखूंट भूमि जिझा मैं को पवित्र बतूनी जिझा मैं को चला चला देवताओं जी झा मैं को उत्तराखूंट ज्वाला जी झा मैं को। ये स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि उत्तराखंड जो है वो गढ़वाल देव, इसको देवभूमि भी कहा गया है, गढ़वाल कहा गया इसको, ये हिमवंत कहा गया है इसको, केदारखंड कहा गया है, ये हमारी ही भूमि है ना, कि देवता ना माना जी झा मा को पहुंची हरिद्वार जी झा मा। जब हरिद्वार पहुंच गए तो लीनो असनाना जी झा मा को लीनो असनाना जी झा मा को दीवा द्वि बैणी सुवारा जी झा मा को दिलीप करी थाप जी झा मैं को दीवा बरतुनी जी झा मैं को तीरथ बनाई जी झा मैं को च आगी सरी गैना झा मैं को देवता ना माना जी झा मैं को। फिर आगे सर के फिर श्री ऋषिकेश पहुंचे, फिर वहां पर भी स्नान करा, फिर दीवा दिए अर्पित करे, फिर आरती करी, फिर पवित्र स्थान बनाया वहां पर उसको भूमि, वहां पर ये तीर्थ स्थल स्थापित किया। फिर आगे गए, फिर देवप्रयाग रुद्रप्रयाग ऐसे श्रीनगर रुद्रप्रयाग सारे बद्रीनाथ जी तक गए सारे तो हर 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 पड़ाव पे लोग। गीत है, इस लोकगीत हर में ये पड़ाव पे बहुत गीत है। लोकगीत है, इसमें हर क्षेत्र में जहां जहां उन्होंने स्नान किया और वहां पर दिया बरता के फिर वहां पर पवित्र स्थान बनाया, उसको पवित्र स्थान को फिर उन्होंने वहां पर उसको तीर्थ। अच्छा, तो मतलब हम हाँ ये गीत तो के माध्यम से अपने पूरे पूरे स्टेप बाय स्टेप उसको बताते चल रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल 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 है ना। तो हाँ और ये जो है ये हमारा चांचड़ी या खड़िया लोकगीत है ये वाला, और ये अच्छा, इनमें जो है ये सब चीजें हैं, बहुत सुंदर सुंदर लोकगीत है। मतलब ऐसे ऐसे हैं कि ये जो है जब माता सती रही होगी यहाँ पर और जो कनखल में उनका ये जो है कनखल के राजा उसके उनके पिताजी का जब वहां पर यज्ञ हो रहा होगा तो माता तो बिना बुलाए जा रही थी ना वहां, तो उन्होंने कहा कि हे देवा महादेव मी मैं तो जान लू, हे देवा महादेवा मी मैं तो जान दू मेरो बाबा को यज्ञ मी मैं तो जान दू। तब भगवान शंकर बोलते हैं कि अनन्युति छे गौरा तू मैं तो ना जा तेरो तेरो अनन्युति छे गौरा तू मैं तो ना जा अपि माना हुए जालू तू मैं तो ना जा बोलू माना मेरो तू मैं तो। कितना बढ़िया है, मतलब ये सोच कि आज मतलब वो कितनी बड़ी शिक्षाप्रद ये लोकगीत है हमारे, अच्छा दीदी जिसमें एक चीज उन्होंने मुझे और कहा कि बता। बिना बिना आमंत्रित करे हुए मायके भी जाना ठीक नहीं है बिना निमंत्रण के। अच्छा मुझे यहाँ पे अभी सुमिता प्रवीण जी का एक कमेंट आया, उससे उससे मैं से उसी से जुड़ मूलतः मैं पूछा, गरबा जो है उसका पहाड़ के साथ कुछ संदर्भ वगैरह है करके है कुछ क्या? वो कह रही कि बिल्कुल हमारे जो उन्होंने लोकगीत हमारे जो पहाड़ गढ़वाल के लोकगीत हैं उनमें हाँ यही सब चीज। एक लोकगीत वो आजकल हो रहा है कि ये जो है मैं सुमिता सुमिता जी जो उनका जो वो कमेंट है पढ़ लेता हूँ। वो कहते चौफुला के बारे में ये कि गरबा हमारे पहाड़ का है और ये जी हाँ पहाड़ी कुमाऊनी गरबा पे भी उन्होंने कुछ गाया था जो कि मैंने अपनी किताब में लिखा है, इसको भी अच्छा मैंने अच्छा किताब में लिखा हुआ है कि अच्छा जब माता माता पार्वती से मिलने जब वो लोग आए होंगे गुजरात से, पूरे हिंदुस्तान हमारे जी गढ़वाल में आता है, हिंदुस्तान भी बसा जी हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो जब वो मिलने आए होंगे माता पार्वती से ये उखी मठ में जहाँ पर ओंकारनाथ जी का मंदिर है, माता जब वहां पर हाँ रही होगी और उसको सिखा रही होंगी उषा को अपनी शिक्षा को और वहां पर चौपला कर रही होंगी वो, तब वहां पर अच्छा क्या हुआ होगा, तब उन्होंने कहा आहा
गौरा बा का गीत है, गौरा बा का गीत है। और वहां गौरा बा का, अच्छा तब उन्होंने क्या करा उसको कि वो शब्द लोप हो गया, शब्द लोप, गौरा बा का क्या हो गया, वहां जाते जाते गरबा हो गया। तो गरबा गौरा बा ही तो है गरबा, हाँ, संस्कृति का संस्कृति एक निष्ठा एक का एक देख एक एक ज्योग्राफिकल वो। यूनिट से दूरी ज्योग्राफिकल यूनिट में जाना सामान्य सी बात है। एक हाँ एक एक इलाके की संस्कृति दूसरे को प्रभावित करती करती है, तो संभवतः हाँ बहुत अच्छा। हाँ और सबसे बड़ी चीज यह है कि वो शब्द नहीं ले जा पाए, वो उसके धुन नहीं ले जा पाए, वो क्या ले गए, रिदम साथ में ले गए। और उन्होंने जी वहां जाके डांडिया से जोड़ दिया उसको। और फिर क्या हुआ, घोर अंधियारी रे गौड़ चढ़े माँ, आवे तारे द्वार अम्बे म्हारी रे गौड़ चढ़े माँ, आवे नौ असवार राजा की बगवानी, बैके की डाली होली राजा की बगवानी, बै अमुआ डाली होली अमुआ, तुम खैली यहाँ पर फोटी ना मड़के या, अन्न डाली बै के की डाली होली, अंधारी रे गौड़ चढ़े माँ, आवे तारे द्वार अम्बे म्हारी रे गौड़ चढ़े माँ, आवे नौ असवार। कुछ फर्क लग रहा है आपको? कोई फर्क नहीं लग रहा दोनों में, ये गरबा और तो धुन चौतिया धुन है इसका, बेसिकली जो है वो धुन सेम है मतलब। बिल्कुल एक ही चीज है दोनों। और माता का ही लोकगीत है ओके वो, यहाँ भी माता प्रकृति में बसी हुई है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। तो दीदी, अब तो अब मैंने कहा ना, तो हरि अनंत हरि कथा रहता है, मैं इसको यहीं पे बातचीत को विराम देता हूँ। और मैं ये कहना हूँ, बातचीत के अंत विराम देते मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान की हाँ भूख को ना शांत नहीं किया जाता, भड़काया जाता है। ना ना तो ना मुझे मुझे मैं ये मैं जैसे मैं लोग कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ, दिख रहा है मुझे कि लोगों बिल्कुल में इसको जानने की जो कौतूहल है वो बड़ा है आपकी बातचीत से। तो ज्ञान की भूख बिल्कुल बड़ी है, तो हमारा जो ये पूरा जो मतलब लोगों को परिचय कराने से ज्यादा उनको और परिचय के लिए प्रेरित करना हो गया है आज का कार्यक्रम। बिल्कुल और हाँ जरूरत पड़े आप कमेंट्स हो रहे हैं, मैं बहुत हाँ सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए दीदी, मैं सारे पढ़ भी नहीं सकता, आप नहीं नहीं समय आप निकाले पढ़िएगा। अब कुछ लोगों ने सवाल दिया, एक ने तो ये सजेशन दिया है कि ऑनलाइन क्यों नहीं इसका क्लास स्टार्ट कर दी दीदी, इसके लिए सब सिखाने के हाँ ये भी यही करूंगी, लिए। बिल्कुल करूंगी। वैसे जो है ना, जी कभी कभी जी हम सोचते हैं, हम हर चीज का मतलब ये नेगेटिव सोच हम रखते हैं, हमको पॉजिटिव सोच भी रखनी चाहिए। जैसे ये लॉकडाउन हुआ तो इससे हमको जी एक दूसरे से बात करने का, इतना आमना नहीं सामने नहीं होने अब का मैं मौका दिल्ली में मिला। बैठा हुआ हूँ, आप वहां हाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, हाँ तकनीक की अपनी कुछ दिक्कतें हैं, पर जो भी है हाँ वो अच्छा दिया है इसने, इसमें कोई शक नहीं। बहुत तो एक अच्छा उसका इस्तेमाल हो सकता है, और खास तौर पे संस्कृति संवर्धन में व्हाट्सएप हाँ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, फेसबुक ने बहुत बड़ा बिल्कुल रोल प्ले, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल और मैं आज की बातचीत को अभी इस तमाम दोस्तों के मैं दीदी विराम देता हूँ आपको, मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने अच्छे ढंग से हमें पूरे 12 महीने में से सिर्फ 2 महीने के बारे में हमने इतने अच्छे से बताया। अभी बाकी बात हम अब अलग समय पे हाँ करेंगे। अभी इनफेक्ट अभी बिल्कुल होली के बारे में जब बातचीत तो भी हुई नहीं हमारे पास, अभी होली तो संपूर्ण अपने आप में, होली छिरोड़ी कुमाऊँ की जैसे अद्भुत है, तो बहुत शानदार। हम हाँ आगे जरूर बातचीत करेंगे इसके बारे में दीदी। तो मैं सभी दर्शकों को शुक्रिया कहता हूँ, और हम अगली बार फिर किसी दीदी के जैसे लोग, कई लोग हैं जो अच्छा अच्छा कर रहे हैं, तो उनमें से किसी और के साथ बात कर रहे होंगे, जो और जो दूसरे पहलू हैं उत्तराखंड के, वो संस्कृति के उसके विस्तार में और गहराई में दोनों में समझने की कोशिश करेंगे। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बस बहुत अच्छे मतलब आपकी मोहब्बत हम तक दीदी पहुंच रही है, जो आपका गीतों के प्रति मोहब्बत है, दीदी का धन्यवाद मतलब दीदी। क्या होता है, दीदी का मतलब देती रहे जो, बस जो देखिए हम सही देते रहेंगे, अब आप हाँ खजाने हैं हम थैले, दीदी वो कहते रहे कि हाँ आप खजाने हैं तो हम थैले हैं, भरते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी नमस्कार, बिल्कुल जी नमस्कार जी। नमस्कार। चरण जी सुखी रहो बच्चे।